Hello everyone, welcome to my channel and if you're new to my channel then please do take a moment and subscribe to my channel. तो आज की वीडियो होने वाली है मेकअप लुक यूजिंग 5 प्रोडक्ट्स वो भी अंडर 100 रुपीज़ की. तो मैंने ये लुक क्रिएट किया यूजिंग ओनली 5 प्रोडक्ट्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. पहला स्टेप होता है प्राइमर, ये तो आप जान चुके होंगे मेरे वीडियोस देख देख के. तो प्राइमर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल या फिर ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल. लेकिन आज का मेकअप होने वाला है अंडर 100 रुपीस का, तो ऑब्वियसली मैं यूज करने वाली हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल. बस थोड़ा सा ले लूँ मुझे, तो इसे अच्छे से आप अपने टी जोन एरिया पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए ऐसे. तो अभी प्राइमर तो हो गया, तो प्राइमर के बाद के लिए आप यूज कर सकते हो ये वाला स्टेक वर्की का फाउंडेशन. ये आपको आई गेस 120 या 130 होगा, क्योंकि ये वाला एक फाउंडेशन है. तो ऑब्वियसली ये 100 अंडर 100 का चैलेंज है, तो मैं यूज करने वाली हूँ सीसी क्रीम, लैक्मे का सीसी क्रीम. ये आपको 99 या 100 में ही मिल जाएगा. तो मैं इसे लेने वाली हूँ अपने हाथ पे थोड़ा सा, मैंने इतना लिया है, और बस आप अपने फेस पे ऐसे डैप कर लीजिए. आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हो. तो मैं आज पूरा मेकअप इसी से करने वाली हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा ले रही हूँ इसको. आप देख सकते हो मेरी पिंपल. तो आप इसे ब्लेंड करने के लिए आप अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो एक ब्यूटी ब्लेंडर. तो अभी फ़िलहाल तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाली हूँ. ब्यूटी ब्लेंडर्स आपको अंडर 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे, या तो छोटे वाले भी है तो वो भी मिल जाएंगे. तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अपने फेस में. तो आप देख सकते हो ये उतना हाई कवरेज वाला नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मेरे थोड़े बहुत स्पॉट्स तो हाइड हो चुके हैं. तो आप इसी से आप अपने नेक पे भी लगा लीजिए. तो हो गया सेकंड स्टेप. तो थर्ड स्टेप होने वाला है, तो अभी इस सीसी क्रीम को सेट करने के लिए एक पाउडर की ज़रूरत है. तो मैं उसके लिए आज यूज़ कर रही हूँ ये स्पिन्स का बीबी क्रीम. ये एक टैल्कम पाउडर है, तो मैं आज इसको यूज़ कर रही हूँ. ये ईजीली आपको आई गेस 80 रुपीज़ का है, तो आप इसे अपने हाथ में ही ले लीजिए थोड़ा सा, बस इसको सेट करने के लिए. फिर तो मैंने अपने फेस को पाउडर से सेट कर लिया है. तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि ये ब्राउज. तो ब्राउज के लिए मेरे पास है, मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये वाला ब्लू हेवन का वॉक फ्री आई लाइनर. ये आपको 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ का मिल जाएगा. तो मैं आज इसी से अपने आईब्रोज करने वाली हूँ, आई लाइनर भी करने वाली हूँ. तो इसके लिए आपको चाहिए एक स्पूली, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला. तो आप अपने आई लाइनर को ही इसमें ऐसे लगा लीजिए, और इसी से मैं करने वाली हूँ अपने ब्राउज. तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईब्रोज से, आईब्रोज में. तो आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज ऑलमोस्ट बन गए हैं. इससे आपके आईब्रो शेप भी हो जाएंगे और फिर आईब्रो लगाने का भी काम हो जाएगा. तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं आई शेडो पे. तो आई शेडो के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लिपस्टिक. तो जो भी लिपस्टिक मैं दिखाने वाली हूँ ये वाले, तो ये अंडर 100 रुपीज़ के हैं. ये है L18 कलर पॉप्स के मैट लिपस्टिक. आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो. एक इसका ये पिंक वाला शेड है, पिंक नहीं, इसका शेड नंबर है फर्स्ट लव P27. तो एक ये वाला शेड है और दूसरा वाला थोड़ा सा रेड अंडर टोन का है. आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, या फिर आपके पास जो भी लिपस्टिक है अंडर 100 रुपीज़ में आप उसे यूज़ कर सकते हो. तो मैं इसे लगाने वाली हूँ अपने आईज़ पे. तो मैं आज थोड़ा सा पिंकी पिंकी काइंड ऑफ मेकअप करने वाली, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ एज ए आई शेडो.
ये वाला शेड उतना अच्छा नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही आई शेडो ब्लश में यूज़ करती हूँ। तो इसे आप लगा लीजिए अपने आई लिड्स पे। मैं सब कुछ हाथ से ही ब्लेंड दिखा रही हूँ, ब्लेंड करने का। तो आप ऐसे ऐसे तब देख सकते हो, तो आई शेडो भी ठीक लग रहा है। तो और थोड़ा सा लेती हूँ मैं, तो उसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे आप लगा लीजिए, ताकि लगे कि आई शेडो लगाया है। आप इसका पिगमेंट भी देख सकते हो, ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो अभी मैं लगा रही दूसरे आई पे, तो जल्दी लगा, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। अच्छे से लगा लेते हैं अपने आईज पे। तो आप देख सकते हो मेरा आई शैडो भी हो गया, काफी सही लग रहा है। अगर ये थोड़ा सा इधर उधर चला जाए, तो आप इसको मतलब क्लॉथ से आप छुटा सकते हो। हाँ, तो देख सकते हो आप, मेरा आई शैडो तो हो गया। तो मैं इसी कलर को मैं एज ए ब्लश भी यूज़ करने वाली हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने चीक बोन पे ऐसे लगा लीजिए ब्लश। तो मैंने इसे एज ए ब्लश यूज़ कर लिया, तो आप देख सकते हो। इसे अपने फिंगर्स से ही ब्लेंड कर लीजिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लश लगाया, तो आप देख सकते हो ब्लश मतलब थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, बट एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा लगाया है। तो चलिए, तो ब्लश हो गया, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सेम ये वाला, हाँ, तो ये वाला ब्लू हेवन का वॉक फ्री आईलाइनर। तो मैं इसी से ही आईलाइनर भी करूँगी, तो इसी से मैं मस्कारा भी लगाने वाली हूँ। तो पहले मैं आईज को, तो मैंने अपने आईज को लाइनर लगा लिया है। तो अभी मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ एज ए मस्कारा। तो मैं वापस से स्पूली यूज़ करूँगी। तो मैं इसी से इसको वापस से यूज़ करने वाली हूँ एज ए मस्कारा। तो मस्कारा भी हो गया, तो अभी लास्ट स्टेप है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लू हेवन का हाइपर स्टे मैट लिपस्टिक। आप चाहे तो सेम जो आपने ब्लश के लिए यूज़ किया था, आप उसी लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये भी आपको अंडर 100 रुपीज़ मिल जाएगा, और इसका शेड भी काफ़ी अच्छा है, एक न्यूड शेड है। तो ये था मेरा लुक। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट अंडर 100 रुपीज़ के हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो ये है मेरा फाइनल लुक यूजिंग 5 प्रोडक्ट अंडर 100 रुपीज़ के। अगर आप एक बिगनर हो, अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ऐसा इतना भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मैं आगे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। और अगर ये मेकअप लुक अच्छा लगा, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, टेक केयर, एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।